जो ये एपिसोड हुआ कोलकाता में उसके बारे में। एक बहुत छोटी सी स्टोरी आप लोगों को मैं उसके पहले सुनाना चाहती हूँ, काफ़ी स्मॉल सी स्टोरी है। तब तक बाकी भी लोग लाइव आ जाएंगे जो नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप ये सुने। जब छोटी थी वो तो उसने सपना एक देखा। डॉक्टर बनने का, साथ में थी किस्मत की रेखा। बीत गए 5 साल वैसे ही, वो ही जाने। बीत गए 5 साल कैसे, ये वो ही जाने। पुराने दोस्तों की नौकरियां लग गई, ये सुन सुन के उसका जी न माने। 1 साल तक ड्यूटी की, जी तोड़ मेहनत की, काम सीखा। फिर उसे लगा कि अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी मैं सिर्फ MBBS हूँ, मुझे अभी स्पेशलिस्ट होना है। फिर PG करने में जुट गई, फिर उसने जी तोड़ मेहनत की, दिल से की पढ़ाई, बिना सुने एक बढ़ाई। अथक परिश्रम किया, बिना सुने एक बढ़ाई। 24 घंटे ड्यूटी करती, भूख प्यास सब छोड़, डॉक्टर है कम, पेशेंट्स की लगी है होड़। वो एक को देखे, दूसरे को समझाए, तीसरे को गलत से रोके और चौथे को ढांढस बंधाए। क्योंकि हर एक मरीज जब आपके पास आता है तो वो रोते हुए आता है, या वो निराश होके आता है और दुखी होके आता है। एंड इट इज द वन वी जो कि हम उन्हें संतावना देते हैं या उन्हें हम समझाते हैं। एनीवेज, कुछ इसी तरीके से दिन बीतते चले जा रहे थे। क्या नींद, क्या भूख, क्या प्यास, कुछ समझ नहीं आता है। दिन ऐसे ही बीतते चला जाता है। एक दिन कई कोशिश करने के बावजूद भी एक पेशेंट को वो बचा नहीं पाती है। एक भीड़ उसको घेरे, उसका सिर पटक जाती है। एक दिन एक पेशेंट को वो बचा नहीं पाती है एक भीड़ उसको घेर उसका सिर पटक जाती है जैसे कि ये अभी मोबाइल गिर गया। अब तक जो इंसान के रूप में उसे भगवान नजर आ रहा था, अचानक से ही वो इंसान के रूप में दरिंदा कहलाई जाती है। भाई, अब भगवान बना दरिंदा की जो उपाधि उसे मिल जाती है। जो गलत करते हैं उनको अंगित करो, उनको गलत, जो सभी को गलत मत ठहराओ। हम भी इंसान हैं, हम डॉक्टर्स भी इंसान हैं, हमें भगवान ना बनाओ। हमें भी आप खुद की तरह इंसान समझिए। टुडे आई हैव कम लाइव इन सपोर्ट ऑफ ऑल द मेडिकल फ्रेटर्निटी। आई माई सेल्फ बींग अ डॉक्टर स्ट्रिक्टली कंडेम द वायलेंस ऑन डॉक्टर्स एंड एनी हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स। इट इज अ ट्रुथ दैट इज ग्रेजुअली आवर प्रोफेशन इज बिकमिंग अ थैंकलेस जॉब एंड वी हैव एक्सेप्टेड दैट एंड येट कीप सर्विंग द हेल्थ केयर इश्यूज ऑफ द सोसाइटी विथ प्योर डेडिकेशन एंड फुल डिवोशन एंड डेडिकेशन। बट नाउ कंसिडरिंग द टॉलरेंस ऑफ द डॉक्टर्स एज देयर वीकनेसनेस, सम पीपल ऑफ द सोसाइटी, आई मे नॉट से दैट ऑल ऑफ देम, बट फ्यू ऑफ देम, फ्यू पीपल ऑफ द सोसाइटी, दे हैव इंडल्ज इन, दे हैव स्टार्टेड इंडल्जिंग फिजिकल वायलेंस डायरेक्टली ओवर द डॉक्टर्स एंड दैट इज बिकमिंग लाइफ थ्रेटनिंग टू द डॉक्टर्स। डू यू थिंक इट्स राइट? क्या आपको लगता है कि ये सही है? आई स्ट्रांगली कंडेम द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस इन कोलकाता रिसेंटली इन NRS मेडिकल कॉलेज। जो भी हुआ मैं उससे काफ़ी ज़्यादा मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। एंड आई एक्चुअली अप्रिशिएट द इंटायर रिस्पॉन्स ऑफ द इंटायर कंट्री। वी ऑल डॉक्टर्स आर टुगेदर एंड इवन वर्ल्ड वाइड आई थिंक कि ऑल डॉक्टर्स विल थिंक द सेम।
I stand by all doctors in support of the demand from the government to provide strict protective laws to all the healthcare providers, including we doctors. आप खुद सोचें, हम यहाँ पर अगर हम इतनी कड़ी मेहनत, इतनी पढ़ाई करके, इतना साल अपना पढ़ाई में देके हम डॉक्टर बनते हैं और हम मरीजों का इलाज करने के लिए यहाँ बैठे हैं, वो जो डॉक्टर वहाँ कलकत्ता में एनआरएस में जो इंटर्न जो वो डॉक्टर बैठे थे, वो इतनी रात को अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो वहाँ पर जान बचाने के लिए बैठे हैं, जान लेने के लिए नहीं। हम डॉक्टर्स इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से आपकी जान बचाते हैं, 99% केसेस को हम ठीक कर देते हैं, और अगर कहीं एक पेशेंट अगर खराब हो जाए, एक पेशेंट अगर हम संभाल नहीं पाए, तो इसमें हम तुरंत कातिल करार दिए जाते हैं। क्यों? माई क्वेश्चन इज वाई? जो 99 केसेस को हमने बचाया, उसके लिए तो हमें थैंक्स करने के लिए आप लोग फूल या माला या हार प्रदान नहीं करते, या आप कोई बहुत बड़ा वो फंक्शन तो नहीं करते कि हाँ इस डॉक्टर ने मेरी जान बचा ली, मैं इनके लिए इतना बड़ा फंक्शन करूँगी या करूँगा, ये तो आप नहीं करते। तो जो 99 केसेस को हम बचाते हैं, वो हमारी ड्यूटी है, और जो एक केस जो ऐसे भी नहीं, अगर देर से लाते तो शायद ऐसे भी नहीं बच पाते, तो वो डॉक्टर की गलती है, डॉक्टर की वजह से मरा। लेट्स हेट द डॉक्टर। सड़कें खराब हैं, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पहुँच के मौत हुई, लेट्स हेट द डॉक्टर, डॉक्टर को मारते हैं। हवा गंदी है, अस्थमा हो गया, बच्चे को डेंगू हो गया, मच्छर ने काट लिया, डॉक्टर के पास क्लिनिक में आने के बाद बच्चे की डेथ हो गई, चलो डॉक्टर को पीटते हैं, लेट्स हिट द डॉक्टर। पेशेंट देर से पहुंची आपके पास, खराब कंडीशन में लाया गया, उसके पास खून की कमी है, खून ना होने के कारण उसकी जान पर बन आई, और वो खून नहीं ला पाए उसके परिजन, और वो अस्पताल में मर गई, लेट्स हिट द डॉक्टर, डॉक्टर को मारते हैं। भाई क्यों? हर एक चीज में आप डॉक्टर को मारते हैं? आप मुझसे ये बताएं कि अगर हम यहाँ इस तरह से आप अगर डॉक्टर्स को के साथ अगर पेश आएंगे, तो अभी तो बहुत से लोगों ने खराब केसेस लेना छोड़ दिए, हालांकि मैं अभी तक फिर भी लेती हूँ, पर अगर मैंने भी छोड़ दिया, इसमें लॉस किसका है? आप जनता का ही तो है। कुछ खराब होता है, हॉस्पिटल में आके पेशेंट मरता है, डॉक्टर को मारो। फूड पॉइजनिंग हुई, रेस्टोरेंट में खाना गलत खाया, पेशेंट आकर के हॉस्पिटल में मरा, डॉक्टर को मारो। हर एक चीज़ में अगर आप डॉक्टर को मारोगे, तो फिर आपकी जान कौन बचाएगा? आपके और मरीज, यानी कि आपके और यमराज के बीच में जो एक दीवार है, वो डॉक्टर की है। उनकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट योर डॉक्टर्स। वो आपकी जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, भूख प्यास नींद चैन आराम हर चीज़ भूल जाते हैं, हर वक्त आपका फ़ोन उठाते हैं, जवाब सुनते हैं, जवाब देते हैं, कैसा खाना खाएं, कैसा पानी पिए, कैसा क्या करें, खुद बिना खाए, खुद बिना सोए, खुद बिना नींद चैन सब गंवा देते हैं। अर्ली डेथ होती है डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा, इतना स्ट्रेसफुल हमारा जॉब है। इसके बाद भी अगर हमें हमारी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो फिर किस तरह से ये कहाँ जा रहा है हमारा, व्हाट अ वर्ल्ड इज, वेयर द सोसाइटी इज गोइंग? डू वी कॉल इट अ फेयर सोसाइटी? आर यू डूइंग फेयर विद अस? प्लीज डोंट डू दिस। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि जरा सा भी मेरे अगर ये बोलने से आप लोगों को फर्क पड़ा है, तो डॉक्टरों के ऊपर वायलेंस करना बंद करें। हम यहाँ आपकी जान बचाने के लिए बैठे हैं, ना कि आपकी जान लेने के लिए, और हम ही एक वो पर्सन है जो आपके और यमराज के बीच में दीवार बन के बैठे हैं, जो आपको बचा सकते हैं। आपकी जो रक्षक हैं, उनको आप खुद से ना हटाएं, खुद से उनका दिल और मन ना तोड़ें, वरना ये भारी आप पर पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर पेशेंट लेने से घबराएगा और नहीं लेगा। बस यही कहना चाहती हूँ, वी आर हियर टू सर्व, नॉट टू सफर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।